यस, 6B स्टूडेंट्स पनिशमेंट मिली हुई है, बातें कर रहे थे। चलो अब ये तो आपकी मैम बताएंगी कि आपकी पनिशमेंट कब ओवर होगी। चलिए जी, चलिए फटाफट से। लास्ट क्लास में वही स्टडीड अबाउट फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस में हमने फ्रैक्शन होता क्या है उसकी बात की थी, फिर हमने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस की बात की थी, प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शंस, राइट, लाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस, एंड वी वर डूइंग सेकेंड असर्शन रीजन, राइट। फर्स्ट असर्शन रीजन हमने कर दिया था, सेकेंड हम कर रहे थे। चलिए जी फटाफट चलते हैं सेकेंड असर्शन रीजन पर। अपना मॉड्यूल खोल लिया फटाफट सबने, पेन कॉपी निकालो, मॉड्यूल निकालो। फर्स्ट असर्शन रीजन हमने कर लिया था, सेकेंड की बात अब हम करने वाले हैं। सेकेंड असर्शन रीजन में आपके पास है पी बाय क्यू एंड आर बाय एस आर टू फ्रैक्शंस। दो फ्रैक्शंस दिए हैं, कौन से पी बाय क्यू एंड आर बाय एस। वन इज पी बाय क्यू, अनदर वन इज आर बाय एस। पी एंड क्यू आर मल्टीपल्स ऑफ आर एंड एस। इस बात का मतलब क्या समझ में आता है? पी इज दी, व्हाट इज गिवन टू मी इज पी इज दी मल्टीपल ऑफ आर एंड क्यू इज दी मल्टीपल ऑफ एस। बताओ जी इस बात का क्या मतलब है? एक सेकेंड बच्चों, ब्राइटनेस थोड़ी ज्यादा है, लेट मी रिड्यूस इट। हाँ जी, चलिए आप जल्दी से बताइए, पी और पी आर का मल्टीपल है और क्यू एस का मल्टीपल, इस बात का मतलब क्या है? कौन बताएगा मुझे? कोई एग्जाम्पल से या किसी भी तरीके से बता सकते हो? आप लोगों को बोर्ड क्लियर है? चलिए ठीक है। हाँ जी, पी इज मल्टीपल ऑफ आर, क्या मतलब है इस बात का? पी इज मल्टीपल ऑफ आर एंड क्यू इज मल्टीपल ऑफ एस। लेट अस से मैं आर बाय एस को ले रही हूं 2/5 सपोज, और अब मुझे क्या कहा जा रहा है, पी किसका मल्टीपल है? आर का। आर क्या है मेरे पास, बोलो जल्दी से, व्हाट इज आर? टू का मल्टीपल। कोई एक मल्टीपल बोलेंगे टू का? तो P क्या है? R का मल्टीपल, और Q क्या है? S का मल्टीपल। अगर मैं इसको भी, जैसे यहां पर 2 का मल्टीपल 4 लिया, 5 का मल्टीपल 10 ले लूं, तो क्या ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं? तो यहां पर यही कह रहा है वो, P by Q and R S by S, P by Q and R by S are two fractions and P and Q are multiples of R and S respectively, then P by Q and R by S are equivalent fractions. तो ये assertion क्या हुई हमारे पास? True हुई कि false? Assertion is true. अब रीजन की बात करते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर द फ्रैक्शंस दैट मे हैव डिफरेंट न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स, बट दे रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू,
बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पर देखो ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, इनके न्यूमिरेटर भी डिफरेंट है, डिनोमिनेटर्स भी डिफरेंट है, लेकिन ये जो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो सेम है। अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं तो ये भी 2/5, ये भी 2/5। इसका मतलब असर्शन ट्रू है, रीजन भी ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, यहाँ पर एक थोड़ा सा करेक्शन जो होना चाहिए, जैसे हमने यहाँ पर कहा कि आर को 2 लिया, पी को 4 ले लिया, मल्टीपल है ये 5, इसका सेम मल्टीपल लिया, 2 से ही मल्टीप्लाई किया। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देती फिर इक्विवेलेंट नहीं होना था। चलिए इसकी, चलिए आपके लिए अभी हम यहाँ पर क्या मान के चल रहे हैं कि असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है और एक दूसरे के करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हैं। सो आंसर इन दिस केस इज ए। नेक्स्ट बताओ जी, 5/8 इज ग्रेटर देन 3/8, इज इट ओके? लास्ट लास्ट में हमने इसके बारे में भी बात की थी कि अगर हम लाइक फ्रैक्शंस का कंपैरिजन कर रहे हैं, लाइक फ्रैक्शंस का मतलब डिनोमिनेटर सेम है, तो जिसका न्यूमिरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। सो 5/8 इज ग्रेटर देन 3/8। रीजन दिया है अनलाइक फ्रैक्शंस कैन नॉट बी कंपेयर्ड। बताओ जरा कि अनलाइक फ्रैक्शंस का कंपैरिजन हो सकता है या नहीं? नहीं कर सकते अनलाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर, नहीं कर सकते? पक्का कर सकते हैं, करने का तरीका क्या होगा उसकी बात अभी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अनलाइक का कंपैरिजन हो नहीं सकता। मैं कह दूं एक फ्रैक्शन है 5/7 और दूसरा है 3/2, तो ऐसा नहीं कि कंपैरिजन कर नहीं सकते, कर सकते हैं। कैसे करेंगे उसकी बात अभी रुक करके करते हैं। इसका मतलब थर्ड में असर्शन तो ट्रू है लेकिन रीजन क्या है, क्या है? सी पार्ट। जब असर्शन ट्रू हो, रीजन फॉल्स हो, तो आंसर क्या हो जाता है? सी पार्ट हो जाता है। अब अगले में जो बात करी जा रही है वो अनलाइक फ्रैक्शंस के कंपैरिजन की बात करी जा रही है। क्लास में क्या आप कर चुके हैं अनलाइक फ्रैक्शंस का कंपैरिजन कैसे होता है? चलिए फिर उससे पहले एक बात और, अभी हमने यहां पर बात करी थी लाइक फ्रैक्शंस के कंपैरिजन की जिसमें डिनोमिनेटर सेम आ रहे थे। अब मैं क्या करूं कि न्यूमिरेटर सेम कर दूं और डिनोमिनेटर्स डिफरेंट कर दूं, तब कंपैरिजन कैसे होगा बताएंगे? जल्दी से बताइए। वन फ्रैक्शन इज 9/11, अनदर वन इज 9/17, विच वन इज गोइंग टू बी ग्रेटर हियर? डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम बट न्यूमिरेटर्स आर सेम। बोलो जी, न्यूमिरेटर सेम हो तो क्या करना होता है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ओके, वन वे इज यू गो फॉर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। बताओ जी क्या आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके? 17 × 9 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 17 × 9 एंड देन 11 × 9, विच वन इज ग्रेटर? 17 × 9 इज ग्रेटर और 11 × 9 इज ग्रेटर? वॉट इज 17 × 9? वन फिफ्टी थ्री एंड 11 × 9 इज 153 इज ग्रेटर देन 99, इट मीन 9/11 इज ग्रेटर देन 9/17। या एक और तरीका क्या है आपके पास? हाँ जी, ब्राइटनेस कम में करने की कोशिश कर रही थी बेटा, मुझसे हुई नहीं। तभी मैंने आपसे पूछा था कि विजिबल है या नहीं, आप लोगों ने कहा कि विजिबल है, तो मैंने कहा चलो चलते हैं फिर आगे। अब बताना जरा मुझे अभी, ठीक है? ठीक है,
क्रॉस मल्टीप्लाई करके 17 into 9 बड़ा है एज कंपेयर टू 11 into 9, सो 7 9 by 11 इज ग्रेटर देन 9 by 7. दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट. अनदर इज, जब आपके न्यूमिरेटर सेम हो तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की भी जरूरत नहीं है ऐसे सिचुएशन में जब न्यूमिरेटर सेम है डिनोमिनेटर डिफरेंट है. देखो पहले हमने क्या कहा था, एक था 5 by 8, एक था 3 by 8. जब डिनोमिनेटर सेम हो तो जिसका न्यूमिरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा. जब न्यूमिरेटर सेम हो तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो फ्रैक्शन. तो यहां पर 11 इज स्मॉलर देन 17, सो 9 by 11 इज ग्रेटर देन 9 by 17. लेकिन अब अगर हमारे पास ऐसे फ्रैक्शंस हैं, ये भी आपका जो एग्जांपल है ये अनलाइक फ्रैक्शन का ही है, क्योंकि लाइक के लिए तो क्या होना चाहिए था, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए. लेकिन अब अगर मेरे पास ऐसे अनलाइक फ्रैक्शंस हैं जिसका ना तो न्यूमिरेटर सेम है ना तो डिनोमिनेटर सेम है, फिर हम कंपैरिजन कैसे करेंगे? जैसे कि आपको फोर्थ असर्शन रीजन में दिया गया है, दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है, वन इज 5 by 6, अनदर वन इज 13 by 15. बताइए जी, मुझे दिया है 5 by 6 इज ग्रेटर देन 13 by 15, इज इट? इज इट ओके? अच्छा जी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया? अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई के मेथड से कर रहे हैं तो 5 into 15 और दूसरा आ रहा है 6 into 13. व्हाट इज 5 into 15? 75. एंड व्हाट इज 13 into 6? तो क्या 75 78 से बड़ा है? Is 75 greater than 78 or less than 78? Less than 78. इसका मतलब ये हो गया गलत. My answer should have been 5 by 6 less than 13 by 15. Is it okay? समझ में आई बात कि नहीं? ठीक है जी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड आप जब भी लगा रहे हैं तो अगर ये क्वांटिटी इसके कंपैरिजन में बड़ी तो पहला फ्रैक्शन इससे बड़ा, छोटी तो फिर छोटा हो जाएगा. ये एक तरीका. दूसरा तरीका क्या है जो यहाँ पर रीजन में दिया है, पढ़ते हैं जरा क्या कह रहा है. टू कंपेयर अनलाइक फ्रैक्शंस वी फर्स्ट गेट देयर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस विद अ डिनोमिनेटर व्हिच इज अ कॉमन मल्टीपल ऑफ डिनोमिनेटर्स ऑफ द बोथ फ्रैक्शंस एंड फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स ऑफ द फ्रैक्शन इज प्रेफर्ड एज कॉमन डिनोमिनेटर. बात समझो पहले क्या कह रहा है वो. मेरे पास यहाँ पर दो फ्रैक्शन दिए हैं, एक है 5 by 6 और दूसरा है 13 by 15. एक तरीका तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का है ही, उससे तो आप कर ही सकते हो. दूसरा वो क्या कह रहा है कि हम इनको लाइक फ्रैक्शंस बना लें. क्या करें, इनको किस में कन्वर्ट कर दें? लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर दें. लाइक फ्रैक्शन का मतलब इनके डिनोमिनेटर्स को सेम कर दें. अब डिनोमिनेटर्स को सेम करने का मतलब है ये 6 और 15 के ऐसे मल्टीपल ढूंढूं जहां पर ये दोनों सेम हो जाएं. तो उसके लिए क्या करना है, 6 और 15 का एलसीएम ले लो. देखना जरा क्या आएगा 6 और 15 का एलसीएम. याद है एलसीएम के, भूल गया? निकालो फिर जल्दी से 6 और 15 का एलसीएम निकाल के बताओ क्या आ रहा है. 30. 2 3 से कर देते हैं, 3 2 3 5 फिर 2 से, चलो पहले 2 से ही कर लेना चाहिए था, फिर 5 से तो 1 and 1, सो 30 इज दी एलसीएम. अब मैंने इसको भी 30 बनाना है, इसको भी 30 बनाना है. ठीक है जी, अगर ये 6 है इसको 30 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से न्यूमरेटर में भी, 5 से डिनोमिनेटर में भी. यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? हाँ हाँ 30 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से नहीं करना पड़ेगा. ये गड़बड़ मत करना. अब देखो जरा फ्रैक्शंस क्या बन गए आपके, ये बन गया 25 by 30 और ये क्या बन गया 26 by 30.
जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो जिसका न्यूमिनेटर छोटा होता है वो फ्रैक्शन भी। तो इसका मतलब मेरे पास एक था 5/6, एक था 13/15, तो ये इससे छोटा है। तो दिस इज अनदर वे ऑफ कंपेयरिंग टू अनलाइक फ्रैक्शंस। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड भी करेक्ट है। और दूसरा मेथड हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो भी मेरे फ्रैक्शंस हैं उनके डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। सेम करने के लिए हमने क्या ले लिया, उनका एलसीएम ले लिया। एलसीएम ले करके अब फिर जब हमने डिनोमिनेटर्स को सेम किया, लाइक फ्रैक्शंस हो गए। और लाइक फ्रैक्शंस में आपको मालूम ही है कि कंपेरिजन कैसे होता है, जिसका न्यूमिनेटर छोटा वो फ्रैक्शन छोटा। ठीक है जी, अब हम चल रहे हैं एमसीक्यूज पर। एमसीक्यू में पहले फिफ्थ देखो जरा, फिफ्थ एमसीक्यू फटाफट देखना जरा। द पिक्चर बिलो इज शेडेड टू रिप्रेजेंट अ फ्रैक्शनल नंबर। हाउ मेनी ऑफ द स्टार्स इन द ग्रुप बिलो मस्ट बी शेडेड टू रिप्रेजेंट अ फ्रैक्शन विद द सेम वैल्यू। मतलब हम दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की बात यहां पर करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले वाले में स्क्वेयर्स बने हुए हैं, टोटल स्क्वेयर कितने हैं, टोटल स्क्वेयर्स कितने हैं, स्मॉल स्क्वेयर्स, स्मॉलर स्क्वायर इज हाउ मेनी स्मॉलर स्क्वायर आर देयर, 36। और शेडेड कितने हैं, 18। तो अगर पिक्चर बिलो इज शेडेड टू रिप्रेजेंट अ फ्रैक्शनल नंबर, तो शेडेड पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लिखेंगे हम, 18 अपॉन, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आऊं तो क्या हो गया, 1/2। अब ध्यान से बताना अगले क्वेश्चन का आंसर, आई मीन क्वेश्चन का आंसर, वो क्या कह रहा है, हाउ मेनी द स्टार्स इन द ग्रुप मस्ट बी शेडेड टू रिप्रेजेंट अ फ्रैक्शन विद द सेम वैल्यू। मतलब नीचे कितने स्टार्स को मैं शेड करूं ताकि शेडेड का आंसर फिर से 1/2 ही हो। टोटल कितने स्टार बनाए हैं, बातें नहीं, 6 थे पीछे स्टूडेंट्स, लास्ट बेंचेस, बातें करने को नहीं कहा गया आपको, हेलो 6 थे, 1 मिनट बेटा, लास्ट 3 बेंचेस, थर्ड लास्ट बेंच, मिडिल स्टूडेंट, व्हाट आर यू डूइंग, बेटा काम में ध्यान रखो। हाँ जी, टोटल हाउ मेनी स्टार्स आर देयर, 12। अब कितने स्टार्स को शेड करूं कि फ्रैक्शन 1/2 हो जाए, कितने, एट, सिक्स। टोटल हमारे पास 12 हैं, 12 में से 6 को शेड करेंगे तब मेरा फ्रैक्शन 1/2 बनने वाला है। तो 6 स्टार्स को शेड कर दो, फटाफट से जल्दी से करो अपने अपने असाइनमेंट्स में 6 स्टार्स को शेड, डन। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में अब मुझे क्या कहा जा रहा, बातें नहीं, बातें नहीं बिल्कुल भी। द टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या होते हैं पहले बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय कंसेक्यूटिव नंबर्स। व्हाट डू यू मीन बाय कंसेक्यूटिव नंबर्स, कंसेक्यूटिव का मतलब एक के बाद एक, 10 एंड 11 आर कंसेक्यूटिव, 13 एंड 14 आर कंसेक्यूटिव, 30 एंड 31 आर कंसेक्यूटिव, 100 101 दे आर कंसेक्यूटिव। समझ में आई बात, तो ये क्या कह रहा है, द टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बिटवीन विच द फ्रैक्शन 8/3 लाइज। देखो जरा, अगर हम नंबर लाइन की बात करते हैं, ये मेरा 0, ये मेरा 1 है, ये 2 है, ये मेरा 3 है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब मैंने बताना है कि अगर मैं 8/3 को नंबर लाइन के ऊपर ले जा रही हूं तो ये कौन से दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में जाने वाला है, 1 एंड 2 के बीच में। हाँ जी, हु इज गोइंग टू आंसर, इज इट गोइंग टू लाई बिटवीन 1 एंड 2 और 2 एंड 3,
और 7 एंड 8 और 5 एंड 7 किसके बीच में लाई करने वाला, कौन सी ऑप्शन करेक्ट है मेरी? कैसे पता करेंगे पहले ये बताओ। 6th A थर्ड लास्ट बेंच, मैंने तीनों को उठा के बाहर कर देना अगर मैंने तुम्हें बातें करते हुए देखना, मैं तीसरी बार टोक रही हूँ दूसरी बार तुम्हें। थर्ड लास्ट बेंच, 3 स्टूडेंट्स आर सिटिंग 6th A, कभी एक बोल रहा है तो कभी दूसरा बोल रहा है। दिस इज द लास्ट वार्निंग फॉर यू, इसके बाद अब मैंने वार्न नहीं करना, उठा के क्लास से बाहर करना है। हाँ जी, 8/3 कौन से दो इंटीजर्स के बीच में लाई करेगा, कैसे पता करेंगे हम? 8/3 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, किया था लास्ट लास्ट में हमने, कैसे कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को मिक्स्ड में। चलो शाबाश, 8/3 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बताओ। और हाँ जी बोलिए, क्या आ रहा है? 3 2s are 6, 2 is the remainder। तो होल पार्ट कौन बनता था, क्वोशेंट के रिमाइंडर या डिवाइजर? इज दी होल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट का न्यूमिरेटर रिमाइंडर है और डिनोमिनेटर डिवाइजर। इसका मतलब भी समझा था आपने पिछली क्लास में कि दो तो कंप्लीट और उसके बाद फ्रैक्शन कौन सा, 2/3। टू होल्स एंड थर्ड का 2/3, सो कैन यू टेल मी वेयर विल दिस लाई, बिटवीन 1 एंड 2 और बिटवीन 2 एंड 3 और बिटवीन 7 एंड 8 और बिटवीन 5 एंड 7? परफेक्ट, बिटवीन 2 एंड 3, क्योंकि दो तो कंप्लीट है ही, थर्ड कंप्लीट नहीं हुआ, थर्ड का कुछ पार्ट बच गया, 1/3 पार्ट बच गया। अब बताना जरा, अगर मैं 2 2/3 को रिप्रेजेंट करना चाहूं नंबर लाइन पर, या चलो 2/3 बताओ पहले, आई वॉन्ट टू रिप्रेजेंट 2/3 ऑन द नंबर लाइन, वॉट आर द स्टेप्स, हाउ शुड आई डू इट? 2/3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, कैसे करते हैं? कर चुके होंगे आप क्लास में रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शंस ऑन द नंबर लाइन। हाँ जल्दी से बता दो, क्या करना है, क्या मेथड हमें अडॉप्ट करना है 2/3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए? शाबाश, जल्दी से बताइए। हाँ जी, 0 और 1 किसके बीच में, सॉरी 2/3 किसके बीच में लाई करेगा, 0 से 1 में, 1 से 2 में, 2 से 3 में, किसमें? इज इट अ प्रॉपर फ्रैक्शन और एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? प्रॉपर फ्रैक्शन। और प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा कहाँ लाई करते हैं, इस बात को ध्यान से सुन लेना, प्रॉपर फ्रैक्शंस हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करेंगे, इधर उधर नहीं जा सकते। नोट कर लो इसको, प्रॉपर फ्रैक्शंस, प्रॉपर फ्रैक्शंस ऑलवेज लाई बिटवीन 0 एंड 1। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो 1, 1/3 या कुछ आगे, 1 से आगे बढ़ेगा, अगर प्रॉपर है तो 0 और 1 के बीच में ही लाई करने वाला, इधर उधर नहीं जा सकता। अब 2/3 का मतलब 0 से 1 को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, मैंने जो डिनोमिनेटर होता है उतने इक्वल पार्ट्स में डिवीजन करते, तो 0 और 1 को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 2 मार्किंग्स करनी पड़ेंगी, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ठीक है जी,
दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट 1/3, दिस विल रिप्रेजेंट 2/3, एंड दिस इज योर 3/3 विच इज 1। ऐसे ही करते हो ना? तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि प्रॉपर फ्रैक्शंस दे ऑलवेज लाई बिटवीन 0 एंड 1, लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे कि यहां पर था तो ये कहां पर जाएगा? ये 1 से एक्सीड कर जाएगा। इसमें क्या हुआ, ये 2 तो कंप्लीट हो गया और इसके बाद अगले वाले का 2/3 पार्ट। तो 2/3 पार्ट के लिए फिर से यही काम करना पड़ेगा, इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। तो ये रिप्रेजेंट करेगा दिस पॉइंट, इफ आई मार्क इट एज ए, दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट 2/3। यू अंडरस्टैंड दिस? होल पार्ट तो सभी को लोकेट करना आता ही है, उसमें तो वैसे ही कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए जो डिनोमिनेटर रहता है उतने पार्ट्स में डिविजन, और फिर जो न्यूमिरेटर है उतने पार्ट काउंट करके आप नंबर पे पहुंच जाते हैं। अब आपने मुझे 7/5 को नंबर 9 पे रिप्रेजेंट करके बताना है। फटाफट करो जरा 7/5, जल्दी से देखें जरा कौन क्या करके बताता है। 7/5 टू बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। हाँ जी, 7/5 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, कितना आ गया? 7/5, 5 1s are 5, 2 is the remainder, सो दिस इज 1 2/5। अब हमने क्या करना है, इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। इसका मतलब क्या हुआ, इफ दिस इज 0 दिस इज 1, 1 तो कंप्लीट हो गया, 1 इज कंप्लीट। 1 से 2 वाले को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है बच्चों मुझे? इक्वल पार्ट्स, मतलब 4 डिविजन्स, 1 2 3 एंड 4। और 2/5 का मतलब कहां पर जाऊं, फर्स्ट ब्रेक पे, सेकंड पे, थर्ड पे या फोर्थ पे? 2/5। So if I'm taking this as point A, this as B, this as C, this as D, tell me which point should I go to for 2/5? A, B, C or D? B point. क्योंकि यहां से यहां तक 1/5 हो गया और यहां पर गए तो 2/5। So this point is representing 1/2/5। समझ में आया है सभी को? चलिए जी, फिर अब हम करेंगे पहले सेकंड क्वेश्चन। थर्ड को अभी 2 मिनट के लिए छोड़ रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन देखो, फटाफट बता दो आंसर, 1 मिनट के अंदर बताओ। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट्स? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज कितना? बिल्कुल, यहां पर सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, जब आप फ्रैक्शन की बात कर रहे हो तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम यूनिट के होने चाहिए, सेम क्वांटिटीज। 40 मिनट हैं तो नीचे 1 नहीं ले लेना, कहीं 40/1 बना दो। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये है आर्स और ये है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आर को किसमें कन्वर्ट कर दिया, मिनट्स में। 1 आवर इज 60 मिनट्स, सो माई आंसर इज 2/3। फर्स्ट क्वेश्चन देखो जी, लुक एट द अल्फाबेट्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। आपको यहां पर क्या दिया है, आपको दिया है एक वर्ड लिखा है, दैट इज केशव, KESHAV।
अब पहला क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान से पढ़ना, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अल्फाबेट्स आर मेड ऑफ एग्जैक्टली थ्री स्ट्रेट लाइंस? ध्यान से देखना, थ्री स्ट्रेट लाइंस, टोटल कितने अल्फाबेट्स हैं बच्चों? मतलब डिनोमिनेटर तो 6 आने ही वाला है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। न्यूमेरेटर में क्या डालोगे? वो वाले अल्फाबेट सिर्फ देखने हैं जो 3 स्ट्रेट लाइंस से बने हुए हैं। ओनली थ्री स्ट्रेट लाइन्स, इज देयर एनी विच इज मेड अप? हाँ जी, अब एंड ई, थ्री स्ट्रेट लाइन्स? ना भैया, 3 स्ट्रेट लाइन वाले तो एच और ए ही होगा, ए में भी नहीं है। ए में भी अगर आप देखते हो, हाँ देखो, एक एच है, इसमें 3 स्ट्रेट लाइंस हैं, 1 2 3, और ए में भी 3 नहीं है। ए में जब आप लिख रहे हो तो आप ऐसे थोड़ी लिख रहे हो, ए में तो आप स्लांट लाइन लगा रहे हो ना। डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट लाइन एंड द स्लांट लाइन? ध्यान से बताओ पहले, स्ट्रेट लाइन और स्लांट लाइन का मतलब समझ में आता है? तो क्या ए जो है वो स्लांट लाइन से बना है? ए में क्या है, 2 स्लांट हैं और 1 स्ट्रेट है, लेकिन उसने मुझे क्या कहा, 3 की 3 कैसी चाहिए, स्ट्रेट लाइंस। बोलिए जी, है कोई आंसर? मुझे तो आंसर ही नहीं लग रहा है इसमें। देखो जी, जब आप के की बात कर रहे हो, एक एक करके देखते जाते हैं, जब आप के की बात करते हो तो 1 स्ट्रेट है, लेकिन बाकी के 2 ई में, सारी की सारी स्ट्रेट हैं, लेकिन कितनी हैं? इसका मतलब ये भी नहीं जा सकता, ये नहीं जा सकता, इसमें तो स्ट्रेट है ही नहीं, इसकी तो बात ही छोड़ दो। एच में है 3 स्ट्रेट लाइंस, ए में स्ट्रेट लाइंस तो हैं, आई मीन एक ही है स्ट्रेट, बाकी की 2 कैसी हैं, प्लांट, और वी में कैसी हैं, प्लांट। तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए फॉर ए पार्ट? माई आंसर हैज टू बी 1/6। अब जरा बी का भी बता दो, फिर आंसर में देख लेते हैं, करेक्शन कर देंगे, कोई बात नहीं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अल्फाबेट्स आर मेड ऑफ स्लांट लाइंस? अब कितनी स्लांट लाइन है उसकी बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अल्फाबेट्स आर मेड ऑफ स्लांट लाइंस, मतलब स्ट्रेट नहीं होनी चाहिए, सिर्फ क्या होना चाहिए अब उसमें? आई शुड हैव ओनली स्लांट लाइंस, इज देयर एनी अल्फाबेट विच इज मेड अप ऑफ ओनली स्लांट लाइंस? ओनली वन, दैट इज वी 1/6। यहाँ पे स्लांट है लेकिन स्ट्रेट भी आ गई है, ये चलो अरे स्ट्रेट वाला है, इसमें 2 स्लांट हैं तो 1 स्ट्रेट भी आ गई है, तो दोनों का ही आंसर क्या होना चाहिए, 1/6 एंड 1/6, करेक्शन कर लो, किसी भी पार्ट में दोनों 1/6 1/6 कर लो, करेक्ट एनी वन ऑफ द 2 पार्ट्स, और बोथ द आंसर हैज टू बी 1/6। अगर यहां पर हम पहले पार्ट में कर दें, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अल्फाबेट्स आर मेड ऑफ ओनली स्ट्रेट लाइंस, 3 ना लिखें, तो फिर आंसर में क्या आना चाहिए? ध्यान से सुनो, हम क्या कर दें, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अल्फाबेट आर मेड ऑफ स्ट्रेट लाइंस, 3 की बात ना करें, तो फिर आंसर क्या होगा, क्या सेम रहेगा या बदल जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा फिर? इट विल बिकम 2/6, क्योंकि ई में भी स्ट्रेट लाइंस हैं लेकिन यहाँ 4 हैं, एच में 3 हैं, बाकी कोई है ही नहीं जो सिर्फ स्ट्रेट लाइन से बना हुआ हो, बाकियों में स्लांट लाइंस आ गए या तो फिर कर्व आ गए, जैसे एस है, एस में तो सारा कर्व ही कर्व आ गया। ठीक है जी, अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है बच्चों?
बड़े से छोटा, बिगर टू स्मॉलर. आई हैव टू गो फ्रॉम बिगर टू स्मॉलर नाउ, बिगर टू स्मॉलर. अगर आपके पास दो ही फ्रैक्शंस हो, फिर तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आप कंपैरिजन कर लेते हो. लेकिन अभी यहां पर कितने हैं? पांच. नाउ हाउ टू कंपेयर? एलसीएम फटाफट सबके डिनोमिनेटर्स सेम करो और जल्दी से हम फिर उनको अरेंज कर देंगे. 9/5 एंड 9/8. चलिए शाबाश, फटाफट फटाफट. किस किस का एलसीएम लेना पड़ेगा मुझे? 2 का, 5 का और 8 का, क्योंकि यही 3 डिनोमिनेटर्स मेरे पास पड़े हैं. तीनों का एलसीएम जल्दी से ले लेते हैं. फटाफट लो, जल्दी से देखें जरा क्या करते हो. टेक दी एलसीएम ऑफ 2, 5 एंड 8. फिर 2 से करेंगे तो 1, 5 एंड 1, और फिर 5 से करेंगे तो 1, 1, 1. 5 2 ज़ा 10, 2 ज़ा 20, 2 ज़ा 40. अब फटाफट से सभी के डिनोमिनेटर्स को 40 बनाना है. देखें जरा कैसे बनाते हो. शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी से जल्दी से. एवरी डिनोमिनेटर हैज टू बी 40. ये हमने शायद पहले भी बात करी होगी. अगर 40 डिनोमिनेटर बनाना है, यहाँ क्या पड़ा है? 2. 2 से इसको डिवाइड करके देख लो. अगर ऐसे समझ में नहीं आता, वैसे तो आना चाहिए पर नहीं आ रहा, तो तुम्हें मिल गया क्या? किससे मल्टीप्लाई करूं? 20 20 से. पहले 3 फ्रैक्शंस में तीनों का डिनोमिनेटर 2 है. 2 को बनाना है 40. अगर ऐसे समझ नहीं आए तो जो डिनोमिनेटर बनाना है उसको, जो यहाँ डिनोमिनेटर है उससे डिवाइड करके देख लो. जो तुम्हारा कोशेंट बनेगा, ये 0 उतारा तो यहाँ 0, उससे आपको मल्टीप्लाई करना है. तो हमने क्या करना है, ये बना दिया 5 इंटू 20, नीचे बनाया 2 इंटू 20, अगला क्या बन जाएगा? 3 इंटू 20, 2 इंटू 20, नेक्स्ट विल बी 7 इंटू 20. डन. यहां बताइए, बताओ किससे मल्टीप्लाई करूं? 9/5, 40 बनाना है. ये तो सामने से दिख रहा है, 5 के टेबल में 40 कहाँ आता है? तो आई विल डू 9 इंटू 8 अपॉन 5 इंटू 8. अब 8 के टेबल में 40 कहाँ आता है? 5. तो 9 इंटू 5 अपॉन 8 इंटू 5. फटाफट से सिंप्लीफाई कर देते हैं. अब ज्यादा कुछ तो बचा नहीं है करने के लिए क्वेश्चन में. लेट अस सिंप्लीफाई इट एंड सी. ये हो गया आपका 100/40, ये हो गया 60/40, ये हुआ 140/40, नेक्स्ट इज 72/40, नेक्स्ट इज 45/40. मुझे जाना है बिगर टू स्मॉलर. बताओ जी, विच वन इज बिगेस्ट? 140 है. 9/8 कैसे बिगेस्ट हो गया? बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट जाना है, डिसेंडिंग में लगाना है, असेंडिंग में नहीं लगाना. जब डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं तो जिसका न्यूमिरेटर बड़ा वो बड़ा. सबसे बड़ा कौन है? 7/2 इज द बिगेस्ट. आगे चलो जी. एग्जैक्टली. फिर ये आया 100 वाला. 100 वाला किसके बराबर चल रहा था? 5/2 के. फिर बिल्कुल ठीक है. दिस इज द नेक्स्ट वन. दिस इज करस्पॉन्डिंग टू 9/5. आगे चलो. 3/2 एंड द लास्ट इज. तो दिस इज योर डिसेंडिंग ऑर्डर. सबसे पहले 7/2, फिर 5/2, फिर 9/5, फिर 3/2, फिर 9/8. तो माय आंसर इन दिस केस इज बी.
और अगर असेंडिंग ऑर्डर में लगाना होता फिर क्या करते? नाइन ओवर एट, 3/2, 9/5, 5/2, 7/2, उल्टा हो जाता सारा कुछ, क्योंकि मुझे कहां से कहां जाना था, फिर स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। चलिए जी, केस स्टडी पे आ जाओ जल्दी से। आपको कुछ फ्रैक्शनल नंबर्स दिए हैं, उनमें से सबसे पहले आपको ए बी सी डी ऑप्शंस बना के दी गई हैं, और आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ए ऑप्शन में तीन फ्रैक्शन दिए हैं, 3/9 दिया है, 9/27 दिया है एंड 17/9 दिया है। क्या ये तीनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं? आर दे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस? बोलिए जी, आर दे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस? अगर 3/9 से 9/27 पर जाना है, इसका मतलब तीन से इसको मल्टीप्लाई, तीन से इससे मल्टीप्लाई करूं, ये दोनों तो इक्विवेलेंट हैं, इज इट? क्या ये दोनों इक्विवेलेंट हैं? ओ, इसका मतलब ये ए ऑप्शन हो गई गलत, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बिल्कुल भी नहीं है। आगे चलते हैं, बी ऑप्शन में दे रखा है 3/9, 9/20, यस ये इक्विवेलेंट हैं। इससे इस पे जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 3 किया, और इससे इस पे जाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया? तो माय आंसर इन दिस केस इज बी। एनीवन हु इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस, टेल मी दैट। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में क्या करते हैं, सेम मल्टीपल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का चलता है। तो यहां पर तीन से मल्टीप्लाई करके यहाँ आगे, और यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई करके आगे, तो ये तीनों कैसे हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। फिर आगे दिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइक फ्रैक्शंस? नंबर विच वन? फर्स्ट अब सिर्फ ये नहीं, कई बार आपको इक्विवेलेंट फॉर्म में भी दिया हो सकता है, तो सिर्फ ये नहीं कि सब में नौ नौ आ गया तो देख लो। अगर कोई भी फ्रैक्शन आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो वो कन्वर्ट करके भी देखना होता है। यहाँ तो आंसर ए है, इसमें कोई डाउट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइक फ्रैक्शन, 3/9, 5/9 एंड 16/9, क्योंकि तीनों के डिनोमिनेटर्स सेम है। आगे देखो जी, आपको पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सप्रेस्ड एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। पहले मुझे बताओ क्या हर हर किसी फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक्सप्रेस कर सकते हैं? नो। कौन से फ्रैक्शंस को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है, प्रॉपर की इम्प्रॉपर? इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर। जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं वो ही मिक्स्ड फ्रैक्शन में जा सकते हैं, प्रॉपर नहीं जा सकता, क्योंकि वो तो पहले ही वन से छोटा है बेचारा, तो उस मिक्स्ड में क्या जाएगा? तो बताना है आपने, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सप्रेस्ड एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। जल्दी से देखो, किसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में ले जा सकते हो? मिक्स्ड का मतलब आपके जो फ्रैक्शंस हैं वो सारे के सारे कैसे होने चाहिए? इम्प्रॉपर। और इम्प्रॉपर का मतलब न्यूमिरेटर बड़ा एज कंपेयर्ड टू डिनोमिनेटर। बताओ जी। मैम ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है जी, ऑप्शन सी। पहले ऑप्शन में फर्स्ट और सेकंड दोनों प्रॉपर हैं, सिर्फ तीसरा इम्प्रॉपर है। बी पार्ट की बात करें तो सिर्फ पहला इम्प्रॉपर है, बाकी दोनों प्रॉपर हो गए। सी पार्ट में तीनों ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, क्योंकि तीनों के न्यूमरेटर बड़े हैं एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर। चलिए जी, फिर आगे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर फ्रैक्शंस। बताइए जी, फोर्थ पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर फ्रैक्शंस? डी ऑप्शन डी ऑप्शन, क्योंकि सिर्फ उसमें ही आपके न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में छोटे हैं। अगर फर्स्ट पार्ट ए में आंसर देखते हो तो 16/9 कैसा हो गया?
इम्प्रॉपर क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा हो गया डिनोमिनेटर से, सेकंड में कौन सा इम्प्रॉपर है? 33/9। सी में कौन सा इम्प्रॉपर है? 17/5। अब एक काम जल्दी से कर दो, सिर्फ एक सेकंड लगा करके, जो थर्ड में सी पार्ट था, जो आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस दिए हैं, उनको जरा मिक्स्ड में जल्दी जल्दी कन्वर्ट करके बता दो, फटाफट देखिए जरा क्या करते हो। 17/5 एक है, फिर 16/9 है, और तीसरा 9/5। जल्दी से इनके मिक्स्ड फ्रैक्शन लिख के बता दो मुझे, शाबाश। देखिए जरा कौन सबसे पहले लिख के बताता है मिक्स्ड फ्रैक्शंस इनके। वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी से करो। कन्वर्ट ऑल द थ्री इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शंस एंड लेट अस सी व्हाट यू गिव द आंसर एज। हु हैज डन इट, रेज योर हैंड। 6B, फ्रॉम 6B हु हैज डन? आई एम टॉकिंग अबाउट 6B, 6A से नहीं मैं पूछ रही हूँ अभी, 6B से जिसने कर लिया है जल्दी से हाथ खड़ा कर दो। 6B, तीनों कर ली हूँ जिसने, ऑल थ्री, हु हैज डन ऑल थ्री? सिक्स बी में से किसी ने नहीं किया अभी तक? Sixth B, anyone from sixth B? No one is raising the hand from sixth B. Sixth A students are answering, sixth B students, they are not answering anything. हाँ जी, sixth B से लक्ष्य, लक्ष्य फटाफट आ जाओ बेटा, आपकी क्लास का टाइम फिर फिनिश हो रहा है, जल्दी आओ लक्ष्य, आगे आओ फटाफट से बताओ। 17/5 को मिक्स फ्रैक्शन में क्या क्या कन्वर्ट करके लिखा बेटा आपने? ओके, 17 को 5 से डिवाइड करना है, बताओ कैसे करूं? सेवनटीन बाय फाइव है तो 17 को 5 से किया, 5 3 15, व्हाट इज द रिमाइंडर? हाँ, टू इज द रिमाइंडर। तो कैसे इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखूं जल्दी से बताओ। बस यही तो गड़बड़ है, 2 5/3 कैसे? कितनी बार हम ये बात कर चुके हैं कि जो कोशेंट होता है वो होल पार्ट बनता है। कोशेंट क्या है मेरा? कोशेंट 5 है, यहीं पे गड़बड़ है फिर, तुम्हारी दिक्कत यही है बेटा। ये होता है डिवाइजर, ये होता है कोशेंट, दिस इज द रिमाइंडर एंड दिस इज द, और जब मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है तो क्या आता है मेरे पास? कोशेंट, रिमाइंडर, लक्ष्य। अब याद रहेगा बेटा, ठीक है जी? तो क्वोशेंट है मेरा 3, रिमाइंडर है 2, डिवाइजर है 5। आगे बोलो जी बाकी के दो, आप चलिए लक्ष्य सीट पे चलिए। 16/9, हाँ जी, 6A से कौन बताएगा? सेकेंड रो कॉर्नर स्टूडेंट मैम के साथ जो बैठा है, वन सेवन अपॉन नाइन, परफेक्ट। 16 को 9 से डिवाइड कर रहे हैं, 9 2 18 एक्सीड कर गया, तो 9 1 7, कोशेंट 1, रिमाइंडर 7, और डिवाइजर 9। सिक्स बी मिडिल रो फर्स्ट बेंच पे जो लड़की बैठी है, थर्ड का बताएगी मिक्स फ्रैक्शन, आ जाओ बेटा फटाफट। हाँ मैम, 1 4/5, 1 4/5,
जब 9 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं, 5 2 10 एक्सीड कर गया, तो क्वोशेंट 1 रिमाइंडर 4 डिवाइजर 5। ठीक है जी। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट प्रॉपर फ्रैक्शंस, बिल्कुल ठीक है बेटा, प्रॉपर इम्प्रॉपर, लाइक अनलाइक, कंपैरिजंस, एवरीथिंग वी हैव डन। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डूइंग सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन ऑफ फ्रैक्शंस। राइट स्टूडेंट्स? ओके जी, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स फॉर द क्लास, बाय 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 बाय।